हाय फ्रेंड्स, वेलकम चैनल फैक्ट कनिशा। तो दोस्तों, पिंडदान के बाद चींटियों की हरकतें बताएगी पूर्वज खुश है या नाराज है। जी हाँ दोस्तों, अक्सर देखा जाता है दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान यदि आपको यह संकेत मिल जाते हैं तो समझ जाना पितृ आप पर खुश है और आपको आशीर्वाद देकर जाएंगे। तो दोस्तों, पूर्वज परिवार में किसी सदस्य से या घर की मुखिया को संकेत देने की कोशिश करते हैं। ये संकेत बताते हैं कि पूर्वज अपने परिवार के सदस्य से खुश है या नाराज है। तो दोस्तों, इनमें से कुछ संकेत शुभ होते हैं और कुछ अशुभ माने जाते हैं। तो चलिए जानते हैं दोस्तों इन संकेतों के बारे में। तो दोस्तों, ये जानने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल बटन पर क्लिक जरूर करें। तो चलो शुरुआत करते हैं वीडियो से। तो दोस्तों, पितृपक्ष के 15 दिन, जी हाँ दोस्तों, इस अवधि में जब हिंदू धर्म अपने पूर्वजों का खासकर भोजन प्रसाद के माध्यम से श्रद्धांजलि देते हैं, धार्मिक शास्त्र के अनुसार पितृपक्ष की अवधि के दौरान हमारे पूर्वज धरती पर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस दौरान पूर्वज अपने वंशज से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। इस दौरान पूर्वज परिवार के किसी सदस्य या घर के मुखिया को संकेत देने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ये संकेत बताते हैं कि पूर्वज अपने परिवार के सदस्य से खुश है या नाराज है। दोस्तों, इनमें से कुछ संकेत शुभ होते हैं और कुछ अशुभ। अगर आप भी जानना चाहते हैं ये संकेत, तो चलिए जानते हैं, आपको बताते हैं। तो दोस्तों, ये संकेत कुछ इस तरह से है। दोस्तों, सुबह घर में कौवे का आना। जी हाँ दोस्तों, यदि आपको सुबह घर में कौवे आते हैं तो दोस्तों उनको भोजन अवश्य खिलाएं। पितृपक्ष के दौरान भक्त के दरवाजे पर काली गाय का आना। दोस्तों, ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, गाय को रोटी अवश्य खिलाना। घर में काली चींटी का आना। दोस्तों, आपके घर में काली चींटी आती है तो उनको शक्कर अवश्य खिलाना। घर के दरवाजे पर गाय का रंभाना। तो दोस्तों, ये बहुत ही शुभ माना जाता है। घर में मुरझाए हुए पौधे खिल जाना, यानी कि दोस्तों ये बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। वंशजों को सपने में अपने पूर्वज खुश दिखाई देना, ये बहुत ही अच्छा संकेत यानी कि शुभ संकेत माना जाता है। और दोस्तों, भक्तों को कौवा खाते हुए दिखाई देना। दोस्तों, ये संकेत माना जाता है कि पूर्वज आपके परिवार पर बहुत ही खुश है। तो दोस्तों, इस तरह से खास संकेत माने जाते हैं यदि पूर्वज आपके ऊपर खुश है। तो दोस्तों, ये संकेत बताते हैं कि आपके घर में कोई खुशखबरी आने वाली है, उनका आशीर्वाद आपके ऊपर रहने वाला है, यानी कि आपके अच्छे दिन की शुरुआत होने वाली है। तो दोस्तों, यदि आपको ये संकेत बताते हैं, आपको दिखाई देते हैं, तो दोस्तों भगवान का धन्यवाद जरूर देना चाहिए और पितरों का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करना चाहिए। तो दोस्तों, गाय, कुत्ते और कौवे को रोटी अवश्य खिलाएं। तो दोस्तों, आपकी वीडियो कैसे लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। धन्यवाद।